बस अरे यार दूल्हा लाला बस कर खाओ यार, वीडियो नहीं बना रहा मैं, बस खाओ खाओ। प्लेट आ गए, फ्रेश पराठे आ गया, दूल्हा लाला की खुशी। अब दूल्हा लाला खुशी का मुजाहरा करो जो आप हमेशा करते हो, ये चीज़ है खुशी। जब दूल्हा लाला खाना सामने आ जाता है फिर दूल्हा लाला ये चीज़ नहीं देखता। कहाँ पर दोगे? याक होता है ना, बोला याक की लस्सी पिलाऊंगा, फ्रेश लस्सी होती है। अतुल लाला मुझे तो तुमने यार लस्सी पिलाई नहीं, अभी चाय मंगा ली है तुमने यार। वहीं यहाँ जाके ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करेंगे। रेस्टोरेंट तो काफी बड़ा है, पूरे शेड के ऊपर बनाया हुआ है, शेड बना है और इसके नीचे लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जगह तुम टाइट पे लाते हैं यार, तुमने देखी हुई है सारी जगह। माल भी खा हुआ है ना, ये तो यार सफर में माल टाइट होना चाहिए, माना पेट खराब हो जाएगा। उस दिन हमारा पेट खराब हो गया था, असली माल खाया तो अभी तक वो स्मेल लग रही है। फ्रेश माल खाएंगे, तुम्हारा पेट है ना माजत, तुम्हारे को नहीं, तुम्हारे को काम करना आता है की बोश के नाम ने देखा कबूतर से तो हम वापस बोश कर लेते। बाकी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है ये, और सामने जो व्यू नज़र आता है यहाँ से, वाह वाह दूल्हा लाला क्या व्यू नज़र आ रहा है। खूबसूरत व्यू के साथ यहाँ ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग है। रास्ते ऐसा देखें कि टायर्ड हो जाए, एनर्जी आ जाए, ताकि बाबू से टायर तक हम लोग वी आई पी तरीके से जाए। देखो कोई वी आई पी चीज़, बहुत बड़ा मेन्यू है, लेकिन मेन्यू से तुमने वो चीज़ निकालनी है जो हम लोग को चुन चुन के निकालनी है। वाजिद भाई लगता है वाजिद तुम सो जाओ यहीं, तुम्हारे लिए वी आई पी जगह ढूंढ लिए हैं घूमने के लिए। इस बात की खुशी हुई कि हमारे कश्मीर का झंडा भी लगा हुआ है, रमजान के बिल्कुल सर के बराबर हमारा ये कश्मीर का झंडा लगा, कश्मीर भी हमारा इनको पसंद है। और दूसरी बात मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि यहाँ पर फैन बिल्कुल नहीं, हमने होटल में जहाँ स्टे किया था वहाँ भी फैन नहीं थे और यहाँ भी फैन नहीं लगे, क्योंकि फैन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा यहाँ पर टेम्परेचर होता है कि कूल होता है, रात में तो ऐसी सर्दी थी कि पूछे मत। सही, हम लोग रजाइयाँ लेके लेटे हुए थे, लेकिन सुबह 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 आवाज़ें थोड़ी गर्मी थी, लेकिन इसीलिए देखो कहीं फैन नहीं लगे, पूरी छत के ऊपर यहाँ भी फैन नहीं है, जरूरत ही नहीं है फैन की, नहीं पड़ती, रात की कूलिंग की वजह से दिन का गुजारा हो जाता है। ये बात तो है, बस अभी कोशिश करते हैं कि घर यहाँ ले लें ताकि बिजली का बिल बचे, हम लोग सिर्फ एसी का मजे ले लेंगे। ऑर्डर दे रहा दो यार, अतुल लाला भूख लगी हुई यार, पहले तुमने 6 घंटे लेट करा दिया, 6 घंटे बाद ब्रेकफास्ट ना किसी शादी में जाने ना दावत। टाइम देखो अभी क्या टाइम हो गया, 11 बज गए यार, क्या कियो? रेडियो रिपीट नहीं होता सर, सॉरी। तो बताओगे तो पता चलेगा यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? आप तो एक दफा बात करके ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बाटा रेट नहीं होते। रिपीट नहीं होता सर, आपको पहले सुन लेना चाहिए यार, जो भी है, लेकिन मजा आ रहा है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा ब्रेकफास्ट करने का। एक हमारे पास मौजूद है सोने वाला, और एक लगता है उनकी भी पलटून में कोई, देखो जहाँ जगह मिली सो जाते। तुम तो गाड़ी में अभी इस बार सो, तुम पहले तुम आज ये नाश्ता तुमने कराना है शर्त के मुताबिक। ब्लॉग में भी नहीं, ब्लॉग में भी तुमने बोला था कि अगर मैं हंसो गया तो नाश्ता मैं करूंगा। अभी आवाज ही नहीं आएगी बेटा आपको। नेट की तो बहुत अशद जरूरत है, तो चलते हैं सामने शॉप, बताया बोला वहाँ से मिल जाएगी, तो सामने चलते हैं वहाँ से लेते हैं, और ही सामने अब वहाँ से जाके लेते हैं कार्ड, क्योंकि तकरीबन कल शाम से ना नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो अभी आपको पता है कि नेट के बगैर हमारी जो ज़िंदगी है बिल्कुल अधूरी हो जाती है, तो नेट के इनके लेते हैं यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह नेट चलाते हैं, व्हाट्सअप को ऑन करते हैं और फिर अपने जो पीछे इन्फॉर्मेशन देनी है वो देते हैं। चल ये कार्ड है भाई जो 200 का मिलता है, और इसको भी लोड करते हैं और फिर नेट चलाते हैं। कार्ड तो भाई ले लिया, अभी इसको अपने दूसरे मोबाइल में चार्ज करेंगे। सिर्फ बोला कि 3 GB, और 3 GB की मैं तो बोलता हूँ कि हमारी एक छोटी सी रील होती है वो अपलोड करें तो 3 GB हमारी उठ जाती है, लेकिन क्या अभी सिचुएशन ही ऐसी है, क्रिएट हो गई है कि हमें इसी पे जाके सब कुछ करना पड़ा। चलें खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना बहुत है कि हम इजीली जाके किसी को टैक्स पर कर सकते हैं। गर्मा गर्म हमारा नाश्ता आ गया, और मेरे दोस्त जो बेचारे कल रात से भूखे पड़े हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला बस एंड करो, स्टार्ट करो। प्लेट आ गए, फ्रेश पराठे आ गए, अतुल लाला की खुशी। अतुल लाला खुशी का मुजाहरा करो जो आप हमेशा करते हो, ये चीज़ है खुशी। जब अतुल लाला खाना सामने आ जाता है फिर अतुल लाला ये चीज़ नहीं देखता। बाकी करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। मैंने लस्सी बोला था, लेकिन लस्सी इसने मेरे लिए मंगाई नहीं, बोला वहाँ पर जाके किसकी लस्सी पिलाएगा? याक की लस्सी, फ्रेश लस्सी याक होता है ना, बोला याक की लस्सी पिलाऊंगा, फ्रेश लस्सी होती है। बाकी मैंने देखा कि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म भी लोग आए हुए हैं, अंग्रेज वगैरह हो गए, कि जगह ही ऐसी है कि सब लोग आते हैं और यहाँ पर आके आप उसे कंट्रोल नहीं हो रहे, ये खा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। माशाल्लाह हमारे जो दोस्त ये 3 बैठे हुए, तो वहाँ हम लोग को खाने का टेंशन नहीं होता, हम लोग तो बस करते हैं बस। अरे अतुल लाला बस कर खाओ यार, वीडियो नहीं बना रहा मैं, बस खाओ। अतुल लाला गया डिस्टर्ब कर दिया, माशाल्लाह खाओ यार, अभी तुम लोग रात तक खाना नहीं करना। और ये बताओ कि अभी जाके जो नेक्स्ट हमने खाना है वो कहाँ खाना है?
खुद बनाना है अभी कल सुबह? नहीं नहीं सुबह करेंगे, बनाना खुद है अब, वो सारा खुद बना के एक अच्छा सा व्यू देखेंगे उसके पास जाके। सामान तो लिया हुआ सारा, बनाएगा कौन? सब मिलके। मिलके नहीं, वाजिद वाजिद तुम बनाएगा? ओके डन। अतुल लाला मुझे तो तुमने यार लस्सी पिलाई नहीं, अभी चाय मंगा ली है तुमने, अच्छी है। अभी तो पिएंगे तो पता चलेगा अच्छी है जनी। बाकी इसके कलर से तो यही नजर आ रहा है कि अच्छी है, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो लस्सी। अब लस्सी पता नहीं कि कब बनेगी। तो कौन सा जानवर है जिसकी लस्सी पियेंगे? याक है भाई, याक है। याक है, मुझे याद नहीं रहता ना, याद नहीं रहता, क्या करूं? याक याक। अच्छा वो जो हम लोग पढ़ते थे X4 याक उसकी लस्सी पियेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट हो गया, इसको बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। अभी यहाँ भी बोला कि मैं रेस्टोरेंट खोलने जा करने जा रहे भैया दुल्हन। क्या नाम है? नाम क्या है? अवैस नाम है। कहाँ पर दोगे? चलो अभी जाके सर्वे करते हैं, फिर खोल के देते हैं। अतुल लाला को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें इसके अंदर हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो बस वो आप समझदार हैं, समझ आओगे। अभी बोला कि मैं रेस्टोरेंट खोल के दूँगा, पता नहीं कितने लोगों को पीछे लारे लगा के आ रहे हैं, मैं उसको ये खोल के दूंगा, उसको वो खोल के दूंगा, लेकिन अभी तक चल नहीं रहा। खाना पीना हो गया टाइट, अभी आ गई है बारी बाबू सर टॉप जाने की। अभी बस स्टार्ट करना है और नेक्स्ट स्टॉप जो होगा ना, वाजे रुकना नहीं है, अभी सीधा जाके बाबू सर टॉप पे, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है। 20 किलोमीटर है ज़्यादा नहीं, 20 मिनट है तो तकरीबन 20 किलोमीटर है तो तकरीबन 1 बजे। कहाँ रुकेंगे? कहाँ पर? लोलू सर के, लोलू सर झील है, झील है, झील सर्वे करेंगे फिर जाएंगे। चलो बैठो फिर। ये भाई लोलू सर लीक है, बड़ी खूबसूरत है। लोलू सर झील, लोलू सर झील भाई झील है जिसके बारे में तू अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ये वो झील है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत। कहाँ पर? हाँ वो नीचे जाते हैं ना, कोने में नीचे लोग जाते हैं, हम लोग भी चलते हैं वहाँ तक। हम तो नहाऊंगा भाई। नहाएगा? बीच लेकिन झील के बीच तक आएगा तुम? बीच में यही तो मजा है ना, बीच में नहीं जाऊंगा। फिर हम लोग तुमको वहाँ कफन भी दे देंगे भाई, तुम अंदर। बहुत ठंडा पानी होता है, फ्रीज हो जाएगा। ठंडा नहीं हो, नहाऊंगा। ठंडा ही तो होगा, ठंडा तो बर्फ का, बर्फ बिल्कुल साफ, ग्लेशियर का बारी है। फिर क्या फायदा हम बात करें? इसे चले झील की तरफ, क्योंकि देखना झील लाजमी है। इतनी बड़ी झील भी है जी? नहीं ये तो छोटी है। बड़ी कौन सी है? अताबाद। इसके बाद वहाँ पर 15-16 किलोमीटर में यहाँ से। अच्छा मतलब हाइट के ऊपर? हाइट नहीं, लेंथ, लंबाई चौड़ाई है ना, 16-17 किलोमीटर। चलो वॉशरूम से माजिद को, साजिद माजिद का है वॉशरूम, पहले ऊपर वॉशरूम में चलते और फिर चलेंगे नीचे की तरफ। मैं इसका वीडियो तुम लोग, चलो सही है, अगर मैं अभी तुम्हारे को दिखा दूंगा सबसे पहले कौन जाता है, बाकी फिर नीचे चलते हैं। छत पे चढ़ गए और छत से जो व्यू आ रहा है बड़ा नजारा, नीचे जाके भी आएगा लेकिन ऊपर से अतुल लाला यहाँ से तो व्यू अलग ही आ रहा है बिल्कुल। देखिए ये रही पूरी झील, माशाल्लाह माशाल्लाह। अतुल लाला क्या जगह है यार, बाकी फिर एंजॉय कर रहे हैं यार, जिंदगी के खूबसूरत लम्हात हैं ये। देखो लोग ऊपर, ये देखो माशाल्लाह ऊपर बैठ के लेडीज भी ऊपर बैठी हुई है यार, एंजॉय कर रहे हैं यार, डर भी नहीं लग रहा। जिंदा दिल लोग घूमने के लिए कराची में बैठे हैं वो तो चलो जो देखेंगे इंशाल्लाह उनको पता चलेगा कि कितने एंजॉय कर रहे हैं। हां भाई एंजॉय हो रहा है, VIP एंजॉय हो रहा है। बाकी देखो वो देखो पीछे ग्लेशियर है, वो पिघलते हैं, उनसे पानी आता है, इधर आता है, उस ग्लेशियर से आता है, उसमें आता है, वो भी ग्लेशियर है, ऊपर वो भी है, सब एक ग्लेशियर है बहुत सारे, तो सबसे पानी बन के बहुत ठंडा पानी है। इंसान मैं बोलता हूँ कि जिसको स्विमिंग भी आती है ना वो भी इसके अंदर सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी आप कह सकते हो ना कि कूल है ना, कि आप फ्रीज हो जाएंगे विद इन 1 मिनट के अंदर। मेरे को बोल रहा था वॉशरूम देखा, मैं अभी तक नहीं गया वॉशरूम के अंदर, जल्दी निकलो यार, तुमने तो वॉशरूम में 1 घंटा लगा दिया यार, ऐसा थोड़ा होते। बेटा कैप्चर करो, डायरेक्ट जैसे बाहर निकलेगा तुमको दिखाएंगे। अभी फाइनली कुछ स्टेप डाउन चलने के बाद फाइनली पास पहुंचा। वाह अतुल लाला वाह, क्या मंजर है अतुल लाला। मैं तो बोलता हूँ मैं भागते हुए जाता हूँ, सीधा डाइव मारता हूँ सीधा पानी। 112 को कॉल कर दे, कर दो 112 कर दो। मैं तो बोलता हूँ पीरा लोग को वहाँ से पवन कर दो ताकि डायरेक्ट लेके आ जाए। बाकी क्या मजा आ रहा है यार, आज तेज चलो यार, कम मारनी थी ऐसे ही मार दोगे, लेकिन हमें रेस्क्यू वाले को बंद कर दिए। बस ऐसे ही मारूंगा तुम देखो। ओके आओ आओ, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सामने से बर्फ आ रही है, वो बर्फ पिघल रही है। और वो क्या गिरा? अबे किसी ने कांच फेंक दिया, किसी ने कांच फेंक दिया यार, ऐसे काम नहीं करो भाई, ऊपर से नीचे लोग खड़े हैं।